नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में। जी हां साथियों, लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा हो चुकी है, साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लग चुके हैं। तो अब इस आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे एग्जाम्स पर, हमारी वैकेंसीज पर, इसके बारे में हम आपको आज पूरी जानकारी देने वाले हैं। एग्जाम जो होने वाले थे उनका क्या होगा, न्यू वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, जो नोटिफिकेशन इंडिकेटिव आ चुके हैं, डिटेल नोटिफिकेशन आने वाले हैं, उनका क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक अवश्य देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथ ही जैसा कि आपको पता है कि आज आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, 11 अप्रैल को पहला इलेक्शन होगा और 23 मई को होगी मतगणना। तो साथियों, आज से लेके 23 मई तक जिस दिन मतगणना होगी उस दिन तक आदर्श आचार संहिता लगी रहेगी, इसलिए इस दौरान कोई भी न्यू वैकेंसी नहीं आएगी, नहीं नई भर्ती की कोई घोषणा की जाएगी। तो कोई भी नई भर्ती की घोषणा सरकार नहीं कर सकती है और कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जो नोटिफिकेशन आएंगे वो वही आएंगे जो रेगुलर वैकेंसी के हैं, जिनके रेगुलर कैलेंडर में है, और उनको भी इलेक्शन कमीशन की परमिशन से पब्लिश किया जाएगा। तो जो रेगुलर वैकेंसी है वही आएंगी, जैसे एयरफोर्स की होती है, आर्मी की होती है। इसके अलावा यूपीएससी जिनको कंडक्ट कराती है, रेगुलर एग्जाम जो होते हैं वो आएंगे, और वो भी तब आएंगे जब इलेक्शन कमीशन इस बात की परमिशन देगा कि आप ये एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, तभी उनके नोटिफिकेशन आएंगे। इसके अलावा जिनके विज्ञापन जारी हो चुके हैं उनके सिर्फ फॉर्म भरे जाएंगे, उनके एग्जाम फिलहाल होने की कोई संभावना नहीं आ रही है। इसके अलावा रेलवे का CEN 4/2019 नोटिफिकेशन जो कि 12 तारीख को आने वाला है, वो भी 12 तारीख को आने की पूरी संभावना है, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन पहले ही इंडिकेटिव जारी हो चुका है, इसलिए उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई आपत्ति होती है तो इस संबंध में निर्वाचन आयोग का निर्णय ही सर्वमान्य होगा, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट डिटेल में आने वाला है, इंडिकेटिव पहले आ चुका है, तो इसलिए सरकार का पक्ष मजबूत हो सकता है कि इंडिकेटिव पहले आ चुका है, इसलिए वो निकाल सकते हैं इसको। बाकी ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर निर्भर करेगा कि वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2019 RRB का आने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 1,00,000 वैकेंसी है, उनके जो फॉर्म है वो भरवाएगा नहीं भरवाएगा, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर निर्भर करने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम एग्जाम की, जो एग्जाम पेंडिंग है और 1-2 महीने में होने वाले हैं, अप्रैल में होने वाले हैं कुछ एग्जाम, वहीं कुछ एग्जाम मार्च के एंड में होने वाले हैं, उनमें से मोस्टली एग्जाम इलेक्शन के बाद होने वाले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर जो फोर्स होती है और जो हमारी प्रशासन व्यवस्था है वो इलेक्शन कराने के लिए बिजी हो जाएगी, इस वजह से एग्जाम होना मुश्किल है, क्योंकि जो भी एग्जाम होता है उसमें भी प्रशासनिक सहयोग लिया जाता है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी इंडिपेंडेंटली एग्जाम नहीं करा सकती है, उसमें पुलिस बल भी लगता है, रेवेन्यू ऑफिसर भी लगते हैं, IAS भी लगते हैं, PCS भी लगते हैं, तो सभी अधिकारी उसमें भाग लेते हैं उस एग्जाम को कराने के लिए, उनको जिम्मेदारी दी जाती है। चूंकि अब इलेक्शन है इसलिए मोस्टली एग्जाम अब इलेक्शन के बाद ही होंगे, ऐसा आप निश्चित रूप से समझ लीजिए। हाँ, कोई अगर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम है उसको इलेक्शन कमीशन की परमिशन से कराया जा सकता है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन की, तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने अब तक ज्वाइनिंग नहीं की है, उनकी ज्वाइनिंग भी इलेक्शन के बाद होगी। जी हाँ, आज तक जिन्होंने ज्वाइन कर लिया आगे उनको ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं किसी भी पद पर, आप उससे पहले कर सकते हैं या उसके बाद कर सकते हैं, यानी आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही आप ज्वाइन अब कर पाएंगे, अगर आपने अब तक ज्वाइन कहीं नहीं किया, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो। तो साथियों, इलेक्शन कमीशन की घोषणा के बाद ही सभी वैकेंसी जो नहीं आने वाली थी वो रुक चुकी है, लेकिन इसमें आपके लिए एक अच्छी बात क्या है, तो वो अच्छी बात यह है कि आपको एक गोल्डन चांस मिल गया कि आप 2 से 3 महीने और अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लगभग 3 महीने मिल चुके हैं, क्योंकि अभी 2 महीने से ज्यादा तो आपको इलेक्शन का ही टाइम मिल जाएगा, उसके बाद आपको लगभग 1 महीना और मिल जाएगा, उसके बाद ही एग्जाम शुरू होंगे दोबारा से, तो आपको लगभग 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया एग्जाम में बैठने के लिए, इससे आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकेंगे। साथ ही दोस्तों, हम भी कल से कुछ वीडियो आपके लेके आने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि अब वैकेंसी कम आने वाली हैं, इसलिए हम आपके लिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सीरीज शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग उसे भी पसंद करेंगे, जैसे आपने अब तक हमें प्यार दिया है आप उसी तरह उसको भी प्यार देंगे। ये सीरीज हम कल से शुरू कर देंगे, कल शाम से, और निश्चित ही आपको निश्चित समय पर सही वीडियो मिलेंगे, सही मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकें और आपका जो लक्ष्य है आप उसको पा सकें। इसके लिए हम भी आपका पूरा सहयोग करेंगे और हम आपके लिए कल से ही एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सीरीज शुरू करने वाले हैं। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।